हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 780G प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर से। दोनों ही प्रोसेसर क्वालकॉम की तरफ से आने वाले मिड रेंज 5G प्रोसेसर है और दोनों ही प्रोसेसर लेटेस्ट लॉन्च हुए प्रोसेसर है। दोनों ही प्रोसेसरों के साथ अभी तक कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आपको इन दोनों ही प्रोसेसरों के साथ स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में कंपेयर करते हैं इन दोनों प्रोसेसरों को और जानते हैं कौन सा प्रोसेसर बेहतर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी स्टफ चैनल में। करते हैं लॉन्च डेट से। तो स्नैपड्रैगन 780G मार्च 2021 में लॉन्च हुआ है और स्नैपड्रैगन 778G मई 2021 में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G लेटेस्ट लॉन्च हुआ प्रोसेसर है। सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 780G 5nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है। जिस चिपसेट की फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होगी वो उतना ही पावर इफिशियंट होगा। तो यहाँ पावर इफिशियंसी में स्नैपड्रैगन 780G बेहतर है। सीपीयू आर्किटेक्चर और कोर की अगर बात करें तो दोनों ही चिपसेट 64-bit आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ ही मल्टीटास्किंग में टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 कोर यानी ऑक्टा कोर सीपीयू का यूज किया गया है। तो यहाँ सीपीयू आर्किटेक्चर और कोर में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है। सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही चिपसेट में 1+3+4 कोर की बिग प्लस डिटेल अप्रोच के साथ में ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर दिया गया है। साथ ही क्रायो 670 कोर्स का यूज किया गया है, जिसमें एक हाई परफॉर्मेंस कोर दिया गया है ARM कॉर्टेक्स A78 के साथ जो क्लॉक्ड है 2.4 GHz पर, और एक लो परफॉर्मेंस कोर भी दिया गया है ARM कॉर्टेक्स A78 के साथ जो क्लॉक्ड है 2.2 GHz पर। साथ ही 4 पावर इफिशियंट कोर दिए गए हैं ARM कॉर्टेक्स A55 के साथ जो क्लॉक्ड है 1.8 GHz पर। तो यहाँ सीपीयू परफॉर्मेंस में दोनों ही चिपसेट एकदम समान है, क्योंकि दोनों ही चिपसेट में सिमिलर सीपीयू दिया गया है। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 780G ADNU 642 जीपीयू के साथ आता है और स्नैपड्रैगन 778G ADNU 642L जीपीयू के साथ आता है, जो कि एक लोअर वर्जन है ADNU 642 का। जीपीयू फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोनों ही चिपसेट की जीपीयू फ्रीक्वेंसी के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ जीपीयू परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 780G स्लाइटली बेहतर है स्नैपड्रैगन 778G से, क्योंकि स्नैपड्रैगन 778G में जो जीपीयू दिया गया है वो लोअर वर्जन है स्नैपड्रैगन 780G के जीपीयू का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो दोनों ही चिपसेट में हेक्सागन 770 DSP दिया गया है, जो की एक 6th जनरेशन क्वालकॉम AI इंजन है। साथ ही 12 टेरा ऑपरेशन पर सेकंड को परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ AI में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है। रैम सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही चिपसेट में 16GB तक की ड्यूअल चैनल रैम का सपोर्ट दिया गया है। स्नैपड्रैगन 778G 2750 MHz तक की फ्रीक्वेंसी की LPDDR5 रैम को सपोर्ट करता है, जबकि स्नैपड्रैगन 780G LPDDR5 रैम को सपोर्ट नहीं करता है। साथ ही दोनों ही चिपसेट 2133 MHz तक की रैम फ्रीक्वेंसी की LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ रैम सपोर्ट में स्नैपड्रैगन 778G बेहतर है, क्योंकि LPDDR5 रैम को सपोर्ट करता है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही चिपसेट में लगभग सभी टाइप की स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ स्टोरेज सपोर्ट में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही चिपसेट के साथ मैक्सिमम ऑन डिवाइस फुल एचडी प्लस तक के डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है। अगर फुल एचडी प्लस डिस्प्ले का यूज किया जाता है तो 2520x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है, साथ ही 144Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलता है। तो यहाँ डिस्प्ले सपोर्ट में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है, कोई भी अंतर नहीं है। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 780G क्वालकॉम स्पेक्ट्रा 570 ISP के साथ आता है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G क्वालकॉम स्पेक्ट्रा 570L ISP के साथ आता है, जो कि एक लोअर वर्जन है स्पेक्ट्रा 570 का। सिंगल कैमरे सपोर्ट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 780G 84 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा MFNR प्लस ZSL के साथ सपोर्ट करता है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G 64 मेगापिक्सल ही MFNR प्लस ZSL के साथ सपोर्ट करता है। ड्यूअल कैमरे सपोर्ट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 780G 64+20 MP का ड्यूअल कैमरा MFNR प्लस ZSL के साथ सपोर्ट करता है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G 36+22 MP का ड्यूअल कैमरा MFNR प्लस ZSL के साथ सपोर्ट करता है। स्नैपड्रैगन 780G 25 MP का ट्रिपल कैमरा MFNR प्लस ZSL के साथ सपोर्ट करता है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G 22 MP का ट्रिपल कैमरा MFNR प्लस ZSL के साथ सपोर्ट करता है। और दोनों ही चिपसेट मैक्सिमम 192 MP तक की इमेज को कैप्चर करने में सक्षम है। तो यहाँ कैमरा सपोर्ट में स्नैपड्रैगन 780G क्लियरली बेहतर है स्नैपड्रैगन 778G से, क्योंकि इसमें जो ISP दिया गया है वो सिंगल कैमरा सपोर्ट, ड्यूअल कैमरा सपोर्ट और ट्रिपल कैमरा सपोर्ट तीनों में ही बेहतर है स्नैपड्रैगन 778G से। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात करें तो दोनों ही चिपसेट के साथ मैक्सिमम 4K तक के वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। दोनों ही चिपसेट की सहायता से 2160 पिक्सल वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर, और 1080 पिक्सल वाले फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पर। साथ ही स्नैपड्रैगन 780G से 720 पिक्सल वाले HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 480 FPS पर, और स्नैपड्रैगन 778G से 720 पिक्सल वाले HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 240 FPS पर। स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट
480 FPS पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G 240 FPS पर ही स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहां वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है, लेकिन स्नैपड्रैगन 780G स्लाइटली बेहतर है क्योंकि ये 480 FPS पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है। कनेक्टिविटी और मॉडेम की बात करें तो दोनों ही चिपसेट 5G सपोर्ट के साथ आते हैं और दोनों ही चिपसेट में X53 5G मॉडेम दिया गया है। स्नैपड्रैगन 780G ओनली सब 6 GHz बैंड को ही सपोर्ट करता है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G MM वेव बैंड को भी सपोर्ट करता है और सब 6 GHz बैंड को भी सपोर्ट करता है। अगर डाउनलोड स्पीड की बात करें तो स्नैपड्रैगन 780G में 3.3 GBPS की डाउनलोड स्पीड मिलती है, जबकि स्नैपड्रैगन 778G में 3.7 GBPS की डाउनलोड स्पीड मिलती है। अगर अपलोड स्पीड की बात करें तो दोनों ही चिपसेट में 1.2 GBPS की अपलोड स्पीड मिलती है। तो यहाँ कनेक्टिविटी और मॉडेम में दोनों ही चिपसेट लगभग सिमिलर है। बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करें तो अंतुतु बेंचमार्क पर स्नैपड्रैगन 780G को मिले लगभग 5,01,000 पॉइंट, जबकि स्नैपड्रैगन 778G का स्कोर अभी तक अवेलेबल नहीं है। गीकबेंच स्कोर की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 780G को सिंगल कोर में मिले 814 पॉइंट और मल्टी कोर में मिले 2925 पॉइंट, जबकि स्नैपड्रैगन 778G का गीकबेंच स्कोर अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये तो था कंपैरिजन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780G प्रोसेसर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ में। सीपीयू से शुरू करें तो सीपीयू परफॉर्मेंस में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है क्योंकि दोनों ही चिपसेट में समान सीपीयू दिया गया है। जीपीयू परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 780G स्लाइटली बेहतर है। AI स्टोरेज सपोर्ट, डिस्प्ले सपोर्ट, वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन और कनेक्टिविटी में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है, जबकि पावर एफिशिएंसी और कैमरा सपोर्ट में स्नैपड्रैगन 780G बेहतर है और रैम सपोर्ट में स्नैपड्रैगन 778G बेहतर है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से लगभग सभी एस्पेक्ट में दोनों ही चिपसेट सिमिलर है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार कौन सा चिपसेट बेहतर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं।